हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का स्वागत है ब्रिलियंट स्टडी जोन में। जैसे कि हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी का, इसी में हम लोग देखे थे कहाँ तक पढ़े थे। हम लोग को जहाँ तक पता है कि स्त्री केसर को हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। मतलब स्त्री केसर उसे कहते हैं, फ्लावर्स का जो फीमेल पार्ट होता है उसी को स्त्री केसर कहते हैं। तो स्त्री केसर को हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं, अब उसके आगे देखते हैं। जैसे कि स्त्री केसर को हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, तो यहाँ तक किसी को कोई, आई होप कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी को भी कोई दिक्कत है, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हो यहाँ पे, उसका कुछ भी पूछ सकते हो आप लोग। तो यहाँ तक हम स्त्री केसर ज्यांग के बारे में पढ़ लेते हैं। स्त्री केसर में ज्यांग जो होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसी के अंदर भ्रूणकोष और संरचना होती है। इसकी संरचना को हम लोग यहाँ पर देख लिया था। अब हम लोग यहाँ पर इस सभी चीज को, ये ज्यांग के बारे में पढ़ लिया था। अब इसके अंदर आज का टॉपिक है बीजांड, ये बीजांड वृत्त। ये सबसे बड़ा हो गया बीजांड वृत्त, ये हो गया पूरा बीजांड वृत्त। बीजांड वृत्त के अंदर अब चलेंगे। जैसे स्त्री केसर को देखें, स्त्री केसर एक फिलामेंट जैसा था। अब उसके तीन पार्ट होते थे। तीन पार्ट के सबसे नीचे वाला पार्ट अंडाणु होता है, अंडक होता है, जिस अब उसके अंदर गए तो बीजांड वृत्त मिला। बीजांड वृत्त को पढ़ लिए, तो बीजांड वृत्त को पढ़ने के बाद अब इसके अंदर जाते हैं तो ये मिलता है भ्रूणकोष। अब इसके अंदर गए तो ये हमारा मिला भ्रूणकोष। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद वाला जो टॉपिक रहेगा अब उसके बारे में रहेगा। ये बीच वाला जो होता है अंडा, अंडा के बारे में इसके बाद वाला वीडियो होगा। तो आज का आप लोग समझ गए क्या पढ़ना है। आज पढ़ना है भ्रूणकोष। तो इसके पहले इसको समझाने के लिए अभी रखे हुए हैं, इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद भ्रूणकोष के बारे में आप सबको समझाते हैं क्या होता है ये। यहाँ पे ये गलती से लिखा गया था, इसको सही कर लीजिएगा पिछले में जाके कोष। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं भ्रूणकोष होता क्या है। भ्रूणकोष होता क्या था? भ्रूणकोष ये बीजांड वृत्त के सबसे, बीजांड वृत्त के बीच वाले हिस्सा को हम कहते हैं भ्रूणकोष। भ्रूणकोष एक बहुत सारी कोशिकाओं से घेरी रहती है, जिसे इसे बहुत कोशिकाएं संरचना कहते हैं। ये बीजांड को हम, भ्रूणकोष को हम कहते हैं बहु कोशिकाएं संरचना कहते हैं। इसी के बहुत सारे कोशिकाएं होती हैं। और ये जो भ्रूणकोष होता है ये एक झिल्ली से घिरा रहता है, इसका एक सुरक्षा झिल्ली करता है जिसका नाम है पेकिटस, पेकिटस या सेलुलोज, पेकिटस या सेलुलोज नाम की ये झिल्ली होती है। इसके ऊपर, भ्रूणकोष के ऊपर जो इसका सुरक्षा प्रदान करती है, जिसे इसे क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय कहते हैं। इस भ्रूणकोष के अंदर सात कोशिकाएं होती हैं। सबसे बीच वाला जो कोशिकाएं होती हैं उसे मिडिल कोशिकाएं बोलते हैं, मध्य कोशिका बोलते हैं, और जो तीन कोशिकाएं होती हैं, तो तीन कोशिकाएं हमारा बीजांड द्वार के तरफ होता है। मतलब ये बीजांड द्वार है, इस साइड में तीन कोशिकाएं होती हैं। तीन कोशिकाएं हो गई और जो बचा हो गया एक मध्य कोशिका और बीजांड द्वार के तरफ तीन कोशिकाएं होती हैं, हो गया चार कोशिका, बचा फिर तीन कोशिका। तो तीन कोशिका होता है निभाग के तरफ। निभाग क्या होता है? निभाग उसे कहते हैं आंतरिक अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण का बीच का जो भाग होता है उसी को हम कहते हैं निभाग। तो ये जो बीच का जो हिस्सा होता है इसे हम निभाग कहते हैं। तो तीन होता है बीजांड द्वार के तरफ और तीन होता है निभाग के तरफ, एक होता है बीच में। तो ये हमारे सात कोशिका हो गए। कोशिका होते हैं हमारे कहाँ? भ्रूणकोष के अंदर। तो आई होप कि आपको भ्रूणकोष समझ में आ गया होगा। एक बार और इसको रिकॉल करवा देते हैं। भ्रूणकोष जो बीजांड वृत्त के अंदर के हिस्से को हम कहते हैं भ्रूणकोष। ये क्या होता है? ये भ्रूण में धंसा हुआ रहता है। मतलब जैसे एक एग्जांपल दिखा देते हैं, फीमेल मेल फीमेल वाला, जैसे ये हो गया फ्लोपियन ट्यूब, जैसे ये हो गया फ्लोपियन, ये हो गया फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस हो गया, इसको समझ लिया फीमेल के यूट्रस। ये हो गया यहाँ पे अंडा पनपता है दोनों साइड में, और ये हो गया हमारा यूट्रस, और
ये यूनिक। और यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब, अगर यहाँ से स्पॉन्ड आया और यहाँ से अंडा आया, दोनों यहाँ पे मिल के यूट्रस में, यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब में ये फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये फिर वापस आ जाता है भ्रूण में, मतलब यहाँ पे आके इसमें जो ये मोटी परतें होती है इसी में एक साइड में आकर धंस जाता है, इसी को कहते हैं भ्रूण कोष। यही जो हमारा भ्रूण कोष होता है, ऐसे फ्लावर्स में भी होता है। ये क्या करता है भ्रूण कोष, ये भ्रूण के अंदर धंसा हुआ रहता है। ये बहुकोशिकीय होता है, इसमें बहुत सारे कोशिकाएं होते हैं, इसीलिए इसे बहुकोशिकीय संरचना कहते हैं भ्रूण कोष को। इसमें 7 कोशिकाएं होती है, 1 कोशिकाएं मध्य में होती है, बीच में होती है, और 3 कोशिकाएं जो होती हैं ये बीजांड द्वार के साइड में होता है, और 3 जो कोशिकाएं होती हैं नी भाग के साइड में होता है। तो आई होप कि आपको भ्रूण कोष समझ में आ गया। भ्रूण कोष इसी को कहते हैं, इसमें 7 कोशिकाएं होती है, बहु कोशिकाएं कहते हैं इसे। और इसको सुरक्षा करने के लिए इसे पेकिटस और सेलुलोज का झिल्ली का एक परत बना रहता है। इसको सुरक्षा करने के लिए, भ्रूण कोष का सुरक्षा करने के लिए पेकिटस और सेलुलोज का बना हुआ एक संरचना होती है, जिसके चलते उसे सुरक्षा प्रदान करता है। तो आप सबको आई होप कि समझ में आया होगा भ्रूण कोष क्या होता है। इसको स्क्रीनशॉट करिए, इसके बाद ये जो पेज दिखाई दे रहा है इसमें भ्रूण कोष के बारे में हर एक डिटेल से लिखवा दिए हैं, उसको भी आप स्क्रीनशॉट करिए, उसको भी डिटेल में लिख लीजिए, और जो भी समझा रहे हैं इसको भी आप सब लिख सकते हैं। अब हम लोग एक चीज, हमारा पिछले स्त्री केसर में एक टॉपिक था जो छूट गया था, जिसको गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, तो अभी उसको हम रिकॉल करवा देते हैं इसको रफ करने के बाद। अब हमारा ग्रुप बीजाणु जनन मृत कोशिकाओं को अर्धसूत्री विभाजन करके उसे जीवित करके अगुणीय बना देता है, अगुणीय से गुणीय बना देता है। ग्रुप बीजाणु जनन जो होता है, जो मृत कोशिकाएं होती हैं उसको कन्वर्ट करके अर्धसूत्री विभाजन करके उसे गुणीय बना देता है, जिसके चलते इसमें गुणीय बीजाणु बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ कोई दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत सारा मृत कोशिकाएं हैं, इसमें बहुत सारा मृत कोशिकाएं हैं इस तरह का सा। इस तरीका से एक मृत कोशिकाएं इसमें है। हम यहाँ पे बता रहे हैं गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु एक टॉपिक है जो स्त्री केसर में मैं बताते समय छूट गया था, उसको सोचे कि अभी इसी वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं। गुरु बीजाणु क्या होता है तो समझिए, गुरु बीजाणु हम उसे कहते हैं, गुरु बीजाणु जो मृत कोशिकाओं को अर्धसूत्री विभाजन करके उसे अगुणीय से गुणीय बना देता है, उसी को हम कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। अब फिर से समझिए, गुरु बीजाणु जनन हम किसे कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन मृत कोशिकाओं को अर्धसूत्री विभाजन करके उसे अगुणीय से गुणीय बना देता है, उसी को हम कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। अगुणीय से गुणीय बना देता है। प्रायः ये 4 होते हैं, क्या होते हैं, प्रायः ये 4 गुरु बीजाणु जनन होते हैं, जिसमें से 1 मुख्य होते हैं और 3 जो होते हैं आगे जाके नष्ट हो जाते हैं। तो 1 मुख्य क्यों हो गए, जो सबसे पहले जो परागकण है और इधर से अंडारू एक दूसरे से सबसे पहले मिले हैं, वही हो जाता है हमारा मुख्य गुरु बीजाणु, और जो 3 जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे हम बना के देखते हैं फिगर में, जैसे जैसे ये फिगर देखिए, ये सब इस तरीका से होता है, सबसे बाहर वाला हिस्सा जिसको हम कहते हैं बीजांड काय, इसको हम कहते हैं बीजांड काय।
ये हो गया बीजांडकाय, और जो बीच वाला हिस्सा होते हैं यही गुरु बीजाणु हो जाते हैं, यही गुरु बीजाणु हो जाते हैं। जो ये मृत बहुत सारे मृत कोशिकाओं को मिलाकर एक गुरु बीजाणु बनाते हैं। बहुत सारे मृत कोशिकाओं को जो सूत्री विभाजन करके एक गुरु बीजाणु बनाते हैं उसी को कहते हैं गुरु बीजाणु जनन कोशिका। और ये प्रायः चार कोशिकाएं होती हैं, जो सबसे प्रथम में आती हैं उसी वही हो जाता है मुख्य कोशिका, और जो तीन जो होते हैं वो ये एक ये दो ये तीन। मान लीजिए कि ये क्या है, ये सबसे पहले आया, ये तीनों इसके बाद आया, तो ये हो जाएगा मृत, ये सब नष्ट हो जाएगा, ये तीन कोशिका नष्ट हो जाएगा, और एक जो मुख्य कोशिका होता है इसी को कहते हैं मुख्य कोशिका, ये अपना परिवर्तन करने लगेगा और ये तीनों नष्ट हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं चतुर्थ बीजाणु। चतुर्थ गुरु बीजाणु इसी को हम कहते हैं चतुर्थ गुरु बीजाणु। तो गुरु बीजाणु के बारे में आई होप कि आप सब ये सब समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।